पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने प्रवर्तन निदेशालय के हलफनामे पर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया। चिदम्बरम ने ईडी के आरोपों को नकारते हुए कहा कि ईडी जिन संपत्तियों और बैंक खातों का हवाला दे रही है वो सभी वैध संपत्ति और खाते हैं। अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से किए गए कई महत्वपूर्ण ऐलान के बाद आरबीआई ने सरकार के लिए खजाना खोल दिया है। रिजर्व बैंक ने अपने खजाने से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए की भारी रकम देने का फैसला लिया है। आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रही सरकार के लिए ये बड़ा उपहार है। आरबीआई के खजाने से मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने के फैसले से विपक्ष नाराज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने जो आर्थिक संकट पैदा किया है उसे वो खत्म नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आरबीआई से खजाने की चोरी काम नहीं आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर कश्मीर को राजनीतिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने का आरोप लगाया। हरियाणा के चुनाव मुद्दों पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कश्मीर में राजनीतिक नेतृत्व पिछले 3 हफ्ते से नजरबंद है। फल उत्पादक अपनी फसल को लेकर चिंतित है, पर्यटक नहीं जा रहे हैं, सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मोदी ट्रंप की मुलाकात और फिर कश्मीर पर अहम बयान से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है, लेकिन इसके 1 महीने बाद ट्रंप की जब मोदी से मुलाकात हुई तो इमरान के सारे पैतरे धरे रह गए। मोदी की कश्मीर नीति को ट्रंप का समर्थन पाकिस्तान के लिए करारे तमाचे जैसा है। अयोध्या मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कड़ी नाराजगी जताई जब हिंदू पक्षकार ही रामलला के विरोध में उतर आए। सुप्रीम कोर्ट ने अखाड़े के दावे पर कहा कि जमीन के स्वामित्व को लेकर हिंदू पक्षकार निर्मोही अखाड़ा रामलला विराजमान की याचिका का अनावश्यक रूप से विरोध कर रहा है। 4 दिन के केरल दौरे पर रवाना होने से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के 3 मंत्रियों को खत लिखा है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, हर्षवर्धन और नितिन गडकरी को पत्र लिखकर केरल में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगी है। बीएसएफ के मुताबिक जैश के आतंकी रोहिंग्या मुसलमानों में कट्टरता का जहर भर रहे हैं। पाकिस्तान में बैठा जैश का आतंकी कमांडर साबिर अहमद बांग्लादेश में रोहिंग्या मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया। गनीमत है कि मंगलवार को धनीपुर हवाई पट्टी पर हुए इस हादसे में सभी 6 यात्री सुरक्षित हैं। लैंडिंग के दौरान बिजली के तारों में उलझने की वजह से विमान जमीन पर गिर गया और ये विमान मेंटेनेंस के लिए अलीगढ़ आया था। जम्मू कश्मीर के पोंछ और पीओके स्थित रावलकोट के बीच पैगामी अमन बस सेवा फिर शुरू हो गई है। इस बस सेवा को 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया था। इसके दोबारा शुरू होने से 46 फंसे लोग अपने घरों के लिए रवाना हुए, जिनमें 40 लोग पीओके से थे।